हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं अनकवरिंग टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी जावा डेवलपमेंट किट, जिसे शॉर्ट में JDK भी बोलते हैं, और उसके इंस्टॉलेशन और उसके बेसिक फीचर्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि हम अपना जावा का एक फर्स्ट कोड यानी कि एक बेसिक कोड कैसे लिखें। मैं आपको पहले ही बता दूँ कि इस कोड को आपके कंप्यूटर में रन कराने के लिए हमें JDK को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो अगर आपने अपने कंप्यूटर में JDK को इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो उसे प्लीज़ इंस्टॉल करें, और अगर आपको इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आती है या आपको पता ही नहीं है कि JDK होता क्या है, तो आप मेरी लास्ट वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ स्टेप डिफाइन कर रखे हैं कि हम अपना पहला जावा का बेसिक कोड कैसे लिखें। सबसे पहले जो भी हम कोड लिख रहे हैं उसको किसी एक फाइल में लिखेंगे। उस फाइल का फॉर्मेट होता है .java, और उस फाइल को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। अब नाम देने में हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो भी हम अपने जावा के कोड में फंक्शनैलिटी डाल रहे हैं, जो भी हमारा जावा का कोड कर सकता है काम, उसके हिसाब से हम उसका नाम रखें। जैसे अगर मैं एक जावा का प्रोग्राम बना रहा हूँ जो एरिया निकाल सकता है किसी सर्कल का या किसी रेक्टेंगल का, तो मैं उस फाइल का नाम कुछ एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ सर्कल ऐसा रखूँगा, ताकि मतलब बन सके उस क्लास फाइल का, उस मेन जावा के कोड का। ये सारा हम अपना जो कोड है ये हम नोटपैड टेक्स्ट एडिटर में लिखेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप जो भी जावा की आपका जो कोड है उसका नाम रखें, आपकी क्लास का नाम भी वही होना चाहिए, दोनों मैच करने चाहिए। तो हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पर ले रखा है कि मैं एक क्लास बनाता हूँ और उसका नाम रखा है मैंने एग्जाम्पल, तो यहाँ मैंने एक क्लास वर्ड यूज़ करा, ये एक जावा का कीवर्ड है। कीवर्ड्स क्या होते हैं मैं फर्दर वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर मैंने एक क्लास कीवर्ड को यूज़ करा, उसके बाद मैं जो भी अपने क्लास का नाम रखना चाहता हूँ वो लिखा, और उसके बाद मैंने ये ब्रैकेट्स शुरू करा और बंद करा। इन ब्रैकेट्स को ब्रेसिस भी बोलते हैं। इसी ब्रेसिस के अंदर हम लोग अपने जितने भी जावा के कोड हैं या फंक्शनैलिटी है वो इसी ब्रेसिस के अंदर डिफाइन करते हैं, लिखते हैं। अब कोई भी क्लास हो उसके अंदर एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से हमारा जावा का कोड रन करना शुरू होता है, उसे हम बोलते हैं मेन स्टेटमेंट या मेन फंक्शन, और उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट ऑन स्ट्रिंग args यानी कि आर्ग्यूमेंट्स, फिर ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, और फिर ये ब्रेसेस। अगर आपको इन वर्ड्स का मतलब नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग जो है वो आपके आगे बताऊंगा। ये सब लिखने के बाद हम लोग जो हमारा मेन ये फंक्शन है, मेन स्टेटमेंट है, इसके अंदर हम लोग जो भी अपने जावा कोड में करना चाहते हैं वो यहाँ पर हम लोग इसमें लिखते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि ये जो हमारा जावा का कोड है ये एक बेसिक कोड है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शनैलिटी ये दी है कि मैं जो भी अपना नाम या जो भी लाइन या टेक्स्ट है वो प्रिंट कराना चाहता हूँ हमारी स्क्रीन पे, उसको दिखाना चाहता हूँ। तो ये मैंने एक लाइन लिखी है system.out.print। ये स्टेटमेंट यूज़ होती है कि अगर हम कुछ भी अपना जो नाम है या कोई भी लाइन है उसको अगर हम लोग मॉनिटर पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो system.out.print, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास में अपना नाम लिखा है। आपको ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कॉमास में, इसे स्ट्रिंग भी बोलते हैं। ये मैं स्ट्रिंग क्या होता है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप ये समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग जस्ट एक लाइन है, जैसे आपने बोला माई नेम इज़ रजत या माई नेम इज़ दिस, तो ये एक स्ट्रिंग हो गई। अब मैंने यहाँ पर सिंपल अपना नाम रखा है रजत, और उसके बाद मैंने एंड कराया इसको सेमी कोलन से। ये सेमी कोलन लगाना काफ़ी ज़रूरी है, ये स्टेटमेंट को एंड करने के लिए काम में आता है, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। ये सब लिखने के बाद हम लोग सेव करेंगे और उसके बाद इस जावा कोड को रन करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जावा कोड को रन कैसे करते हैं। ये सब करने के बाद अब हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, और उसके बाद जहाँ पर भी हम लोगों ने अपना कोड बनाया है उस डायरेक्टरी में या उस फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पर मैं कोड डेस्कटॉप पे लिखने वाला हूँ, तो मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट डेस्कटॉप में ओपन करूँगा, और उसके बाद मैं कमांड रन करूँगा जावैक स्पेस जो भी आपका क्लास का नाम है। जावैक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जावा कंपाइलर की कमांड होती है, ये हमारा कोड को कंपाइल करता है। तो मैंने अगर एक क्लास बनाई है एग्जाम्पल नाम से, तो हम लिखेंगे जावैक स्पेस एग्जाम्पल डॉट जावा। ये जब जैसे ही हमारी कमांड रन होगी उसके बाद एक नई फाइल बनेगी एग्जाम्पल डॉट क्लास। ये जो क्लास डॉट क्लास है इसे हम बाइट कोड वर्जन बोलते हैं हमारे ओरिजिनल जावा के कोड का। एक्चुअली में जो हमारा कंप्यूटर है वो इस प्रोग्रामिंग को भी नहीं समझता। इसके बाद जब हम लोग डॉट क्लास फॉर्मेट बनाते हैं, ये डॉट क्लास में जो बाइट कोड हमारा बना, यही एक ओरिजिनल कोड है जो हमारे कंप्यूटर को समझ में आता है, और यही बाइट कोड वर्जन जो है हमारे जावा वर्चुअल मशीन में लोड होता है। लोड करने के बाद इस कोड को हम लोग इंटरप्रिटेट करते हैं, और उसको हम करते हैं जावा इंटरप्रिटेटर की मदद से, जिसकी कमांड है सिंपल जावा स्पेस एग्जाम्पल। यहाँ पर हम कोई फॉर्मेट नहीं देंगे,
ये करने के बाद हम लोगों ने जो भी डिफाइन करा था, जैसे मैं जो कोड लिखने वाला हूँ उसमें मैं अपना नाम डिफाइन करने जा रहा हूँ, वो प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए अब हम एक्चुअली में जो कोड कैसे लिखते हैं वो आपको सीखते हैं कि कैसे लिखना है हमारा कोड। तो सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे। यहाँ पर हम लोग रन में गए, स्टार्ट मेन्यू में, और यहाँ हमने टाइप करा रन, इसको ये क्लिक करा और ओपन हो गया। आप इसको डायरेक्ट विंडोज़ प्लस आर बटन दबा के भी कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट है। और यहाँ पर हमने टाइप करा CMD, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट की ये शॉर्टकट है। ये हमने ओपन करके यहाँ पर रख लिया। अब हम लोग यहाँ पर डेस्कटॉप पे हैं, यहाँ पर हम लोग एक नोटपैड फाइल बनाएंगे। इस फाइल का नाम देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं ये न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही रखता हूँ, और इसके अंदर हम लोग अपना जावा का कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें क्लास डिफाइन करना पड़ता है, तो मैं पहले लिखूंगा क्लास, और मैं इसका क्लास का नाम एग्जांपल ही रख लेता हूं। और फिर ये ब्रेसेस ऑन, फिर ब्रेसेस ऑफ। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपनी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो मेन स्टेटमेंट है वो डिफाइन करते हैं, तो मैं वो लिख देता हूं। इसके बाद इसके मेन स्टेटमेंट के ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ। अब ये जो ब्रेसेस मैंने ऑन करे हैं, इसके अंदर हम लोग अपना प्रिंट कराने का जो भी काम है या जो भी फंक्शनैलिटी है इसके अंदर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना नाम प्रिंट कराना चाह रहा था, तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा। डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, आपको जो लिखना है आप यहाँ लिख सकते हैं। और ये सेमी कोलन से स्टेटमेंट बंद। अब हम लोग यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा स्टेप पे, हम लोग फाइल पे सेव एज पे जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग वही सेम नाम रखेंगे जो हमारी क्लास का नाम है। यहाँ पर मैंने क्लास का नाम लिखा है एग्जाम्पल, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल डॉट जावा, और यहाँ पर करेंगे ऑल फाइल्स सेव, और इसको बंद कर देते हैं। अब आप चाहें तो इस फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारी एक एग्जाम्पल डॉट जावा फाइल बन गई है। अब हम इस फाइल को कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अभी ये मेरे एक गलत डायरेक्टरी में है, सी यूजर्स रजत, हमें डेस्कटॉप पे जाना है, तो हम लोग चेंज डायरेक्टरी का इस्तेमाल करेंगे। इसकी कमांड का नाम होता है CD, यानी कि चेंज डायरेक्टरी, हमारी डायरेक्टरी चेंज हो जाए। और कहाँ जाना है हमें, डेस्कटॉप पे। तो चेंज डायरेक्टरी स्पेस डेस्कटॉप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे आ गए। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जवैक, यानी कि जावा कंपाइलर कमांड, और हमारी फाइल का नाम जवैक स्पेस एग्जाम्पल डॉट जावा, और एंटर। आपने जैसे ही एंटर करा, यहाँ पर आप देखेंगे एक और फाइल बन गई है, ये होती है हमारी डॉट क्लास फाइल। अगर मैं आप इसको ओपन करके दिखाऊं, तो आप देख रहे हैं ये एक जिब्रिश सा कुछ भी, आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या लिखा है। यही एक्चुअल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ पाता है, और इसी को हम लोग रन करेंगे JVM में। तो यहाँ पर हम लोग अपनी जावा इंटरप्रेटेड की जो कमांड है वो रन करेंगे, जावा स्पेस एग्जाम्पल, क्लास फॉर्मेट को हटा देंगे, और एंटर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रजत नाम, जो मैंने अपना नाम डिफाइन करा था, ये प्रिंट हो गया है। तो आपने इस तरह से एक सक्सेसफुली कोड को रन कर लिया है, ये आपका फर्स्ट कोड है। ऐसे ही हमारे बाकी के जावा के प्रोग्राम्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे और रन करेंगे। यहां पर दोस्तों मैंने एक जो हमारा जो भी कंपाइलेशन प्रोसेस हुआ उसको मैंने उसका एक ब्लॉक डायग्राम बना रखा है, और उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली में कंप्यूटर की स्क्रीन के पीछे हो क्या रहा है। आपने डॉट जावा फॉर्मेट का अपना सोर्स कोड बनाया, जहाँ पर आपने सब कुछ डिफाइन करा, आपकी क्लास, आपका मेन फंक्शन, मेन स्टेटमेंट। उसके बाद हमने जवैक यानी जावा कंपाइलर कमांड चलाई, और हमारी डॉट क्लास, जो हमारा जावा का बाइट कोड वर्जन है ओरिजिनल कोड का, वो बन गया। अब मैं कंप्यूटर में, जो मेरा कंप्यूटर है वो विंडोज़ मशीन को रन कर रहा है, मेरी कंप्यूटर मशीन जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर रही है। तो विंडोज़ में जो मैंने JDK डाला था, उसमें जावा वर्चुअल मशीन जो रन हो रहा है, उसमें हमारा ये बाइट कोड लोड हो जाता है और रन कर जाता है।
अगर आप एप्पल के कंप्यूटर में मैकिंटॉश में बैठे हैं तो उसके जो उसका JVM है उसमें रन होगा, अगर आप लिनक्स में आपको यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो JVM होगा उसमें लोड होगा। तो आप देख रहे हैं जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस जिस में JVM रन हो रहा है वहाँ वहाँ पर हम लोग अपना डॉट क्लास जो बाइट कोड है वो रन कर सकते हैं। इसलिए जावा में ये बोला गया था कि राइट वंस रन एनीवेयर, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। भले ही आपने विंडोज़ में अपना कोड लिखा है लेकिन आप उसको मैकिंटॉश में, लिनक्स में या और भी जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पर आप उसको रन कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखने का मिला हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनकवरिंग टेक्नोलॉजीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।